भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरे प्रदेश भर में जिला और मंडलों की कार्यशालाएं युवा चौपाल बैठकें हो रही हैं और इन कार्यशालाओं में जो कार्यकर्ताओं को बिंदु दिए जाएंगे उनको लेकर वो प्रत्येक मंडल में ग्राम केंद्रों में जाएंगे और मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। और पिछले 10 वर्षों में इस देश में हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, साइंस टेक्नोलॉजी का हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। ये सारा जो बदलाव हुआ है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और उनकी सूझबूझ के कारण हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और जो सपना हमारे बुजुर्ग कभी लेते थे कि ये देश विश्वगुरु बने, आज सचमुच विश्वगुरु अगर इसको कोई बनाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व गुरु जल्द ही बनेगा। किन मुद्दों को लेकर जब लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे? हमारे पास तो बहुत से मुद्दे हैं, हमारी 10 साल की अचीवमेंट्स हैं। पूर्व में जयराम सरकार रही, उसने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार आई है 10 गारंटियों के बल पर इन्होंने लोगों को छला है और 10 में से मैं समझता हूँ कि एक भी गारंटी इन्होंने जो है वो अभी पूरी नहीं की है। लोगों में भारी आक्रोश है और ये आक्रोश ही भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनावों में 4 की 4 लोकसभा सीटें जिताकर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। इस उम्मीदवार को उतारना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है जो तय करेगा वही कैंडिडेट होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करते हैं, हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं। जो कमल का फूल लेकर आ जाएगा उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी।